हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्सीएस इंजीनियरिंग। हियर आई एम हिमांशी अग्रवाल। हियर वी आर डिस्कस अबाउट टॉप 10 पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स। ओके, आज आप सभी से हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से हैं पाइथन के अंदर। टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये ज्यादातर उसमें अपने इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि इनिशियली ज्यादातर इंटरव्यूअर पूछता है। तो आज आप सभी देखने वाले हैं कौन कौन से टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे सेशन। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये चार हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आफ्टर दैट ये चार हैं, स्टार्टिंग के चार कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है व्हाट इज पाइथन, दूसरा व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, तीसरा व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन, और चौथा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। उसके बाद में ये कुछ चार हैं, जैसे व्हाट इज डेटा इन पाइथन, दिस इज योर एडिशनल क्वेश्चंस। ये क्या है कि पहले वो चार पूछे जाते हैं टेक्निकल में, देन फिर ये सब भी पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी पर काफी अच्छे से फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसमें आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि इन क्वेश्चंस का आपको आंसर कैसे देना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो ये चार क्वेश्चंस और हैं, व्हाट इज वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, व्हाट इज डेटा इन पाइथन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, व्हाट इज पाइथन एनवायरनमेंट। ये आपका एडिशनल है व्हाट इज पाइथन एनवायरनमेंट, जो कि आपको काफी काफी टाइम बाद पूछा भी जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। जो भी पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो भी इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, वो सभी इस ट्यूटोरियल को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको काफी सारा हेल्प मिलने वाला है और इसमें मैं एडिशनल 2-3 क्वेश्चंस आपको समझाने वाली हूँ। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन का आपको जवाब कैसे देना है। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे पाइथन क्या है। पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन इज अ लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मेनी एडवांस्ड डेटा टास्क फॉर अ वेरी गुड रीजंस। दिस इज योर प्रोफेशनल टाइम्स, है ना। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, पाइथन इज अ लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मेनी एडवांस्ड डेटा टास्क फॉर अ वेरी गुड रीजन। ओके, देन आप क्या बोलेंगे, पाइथन इज वन ऑफ द इजिएस्ट एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। इनिशिएटिव स्ट्रक्चर्स एंड सेमेंटिक्स मीन्स दैट फॉर पीपल हु आर नॉट कंप्यूटर साइंटिस्ट बट मे बी बायोलॉजिस्ट, स्टेटिस्टिशियन और द डायरेक्टर्स ऑफ द स्टार्टअप। मतलब जो भी अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो उनको जो एक्यूरेसी वगैरह फाइंड आउट करनी होती है, क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, जैसे डेटा साइंटिस्ट होते हैं, तो उन्हें आप समझ सकते हैं कि डेटा साइंस वालों को क्या क्या वर्क होता है। तो उस हिसाब से आप ये अगर डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्टेटिस्टिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर मशीन लर्निंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप इस टाइप का आंसर देंगे तो आपको बहुत बेस्ट होगा। तो आप क्या आंसर दीजिए, ये जो मैंने आपको बताया है कि पाइथन इज अ लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर मेनी एडवांस्ड डेटा टास्क फॉर अ वेरी गुड रीजन, मतलब बहुत अच्छे अच्छे रीजन के लिए, आप काफी सारे रीजन के लिए पाइथन को यूज कर सकते हैं। ये क्या है, पाइथन क्या है, एडवांस डेटा टास्क में होते हैं, पाइथन में कई सारे एडवांस डेटा टास्क होते हैं, तो उनको ये चूज करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे कभी कभार एक्यूरेसी निकालना मशीन लर्निंग में, या कोई टास्क फॉलो करने हैं, जैसे बैगिंग लगाना है, बूस्टिंग लगाना है। मशीन लर्निंग ज्यादातर पाइथन पर ही वर्क करती है, वैसे कुछ में और भी लैंग्वेजेस में करती होगी लेकिन मोस्टली ये पाइथन पर वर्क करती है ना। तो आप इस तरीके का आंसर दे सकते हैं ना। अब जो आपको देना है मेनली, वो देखिए, पाइथन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टास्क। ओके, इट इज नॉट जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज,
नहीं है ना, इट इज जस्ट नॉट जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बट अ फुल फीचर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्क्रिप्ट लैंग्वेज ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो आप ये वहां पर बता सकते हैं। और एक और बात, पाइथन के बारे में आप ये भी बोल सकते हैं कि पाइथन में क्या क्या होता है, देयर आर मैनी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स, देयर आर मैनी यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बिल्ट इन टू द लैंग्वेज आल्सो बिकॉज पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। पाइथन क्या ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो उसमें काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी हैं, काफी सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है, तो जिसकी हेल्प से हम हमारा जो प्रोग्राम बनाना है वो बहुत इजी हो जाता है, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, स्पेस कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सब आप उसमें इंटरव्यू में बता सकते हैं। ओके, इट इज रिलेटिवली इजी टू क्रिएट कस्टम डेटा ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो पाइथन क्या है वो मैं आप लोगों ने समझा कि व्हाट इज पाइथन का आंसर आपको कैसे देना है, कि पाइथन एक एडवांस, पाइथन में कई सारे एडवांस डेटा टास्क होते हैं जो कि गुड रीजंस को चूज करने के लिए होते हैं, ये कि बहुत अच्छा रीजन भी है क्योंकि इसमें काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं। पाइथन बहुत इजीएस्ट और एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम इजीली लर्न भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। दूसरा, इनिशिएटिव स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक्स भी है, जो कि प्यूपिल क्या है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले भी लोग होते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्टार्टअप जो कि स्टार्टअप अपना खोलने वाले होते हैं, वो सब भी इस पाइथन को यूज करते हैं। तो जिसको भी हम अपने प्रोग्राम में या अपने इंटरव्यू में इसको एज अ बेनिफिशियल पॉइंट से ले सकते हैं ना। फिर हमको क्या बताना है, पाइथन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टास्क, मतलब काफी सारे डेटा टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज होती है। उसके बाद क्या बताएंगे, ये केवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही नहीं बल्कि फुल फीचर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन आपको क्या बताना है, यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, मतलब जो अभी मैंने बताया आपको कि इसमें काफी सारी एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि है इनबिल्ट भी है। एंड देन पाइथन एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है जो कि काफी सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। तो ये तो हुआ आपका व्हाट इज पाइथन। इसमें आप एक चीज और एडिशनल कर सकते हैं जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, जैसे डायनेमिकली है, इंटरप्रेटेड है, इन सबका कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है। तो पहले हम ये समझते हैं डायनेमिकली लैंग्वेज क्या है, फिर हम उसको भी समझते हैं ना। तो डायनेमिकली लैंग्वेज क्या है ये देख लेते हैं, व्हाट इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ओके, डायनेमिकली लैंग्वेज किसे कहते हैं, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज जिसमें हमको वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन नहीं देना पड़े, या वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े, वेरिएबल में बार बार हमको बताना ना पड़े हमें किस टाइप का इनपुट चाहिए, किस टाइप का आउटपुट चाहिए, अदर अदर, है ना। और भी काफी सारे फीचर है डायनेमिकली टाइप के जो कि मैंने इसमें आपको लिख के रखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, तो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके, तो देखिए डायनेमिकली टाइप्ड में क्या है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन का एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जैसा कि आपने समझ ही लिया कि ये क्वेश्चन आया तो इसका मतलब यही है कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। वेरिएबल नेम्स कैन बी बाउंड टू डिफरेंट वैल्यू एंड टाइप्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, मतलब वेरिएबल के आप जैसे नाम जो आपने लिया है उसकी आप डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, जब भी आप प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वेरिएबल को तो आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं। ईच वैल्यू इज अ टाइप अ स्ट्रिंग और इंटीजर फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर द नेम दैट पॉइंट्स टू दिस वैल्यू डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक टाइप। मतलब वेरिएबल के आप जो वैल्यू लेने वाले हैं वो मैटर नहीं करती, आप चाहे स्ट्रिंग टाइप लें या आप इंटीजर टाइप लें या आप जो भी टाइप लेना चाहते हैं, फ्लोट टाइप लें और भी होते हैं, तो उनमें से आप जो भी टाइप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, है ना।
तो डायनेमिकली टाइप का सबसे बड़ा फीचर यही है कि आपको इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले आपको डिक्लेयर करना है कि नहीं भाई आपको वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर ही लेनी है कि स्ट्रिंग ही लेनी है कि फ्लोट ही लेनी है। नहीं, इसमें क्या है, आपको जो वैल्यू लेनी है आप वो वैल्यू ले सकते हैं और आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है या आपको इस वैल्यू के लिए पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसा कि सी में अपन को डिक्लेयर करना पड़ता है, सी प्लस प्लस में अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे सी हैज में भी काफी बार डिक्लेयर करना पड़ता है, जावा में भी, लेकिन और लैंग्वेज में से डिक्लेयर करना पड़ता है, वो पाइथन में नहीं करना पड़ता, वो सब स्टेटिक लैंग्वेज है, लेकिन दिस इज डायनेमिकली लैंग्वेज। जावा थोड़ी सी डायनेमिक भी हो सकती है लेकिन बट वैसे वो सारी लैंग्वेजेस स्टेटिक में ही देखी जाती है और पाइथन जो है डायनेमिकली है। इसमें आपको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको जो मर्जी है वो आप स्ट्रिंग में, इंटीजर में, फ्लोट में, आप सब में उसको ले सकते हो। तो ये आप एक बेनिफिशियल पॉइंट आप अपने इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर को बता सकते हो। ओके, देन आपको क्या बताना है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस सच एज सी एंड जावा वेयर अ नेम रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड साइज टाइप लोकेशन इन मेमोरी। मैंने बताया आपको कि सी में, जावा में, जैसा कि आपको पहले से रिप्रेजेंट करना पड़ता है उसका साइज क्या है, उसका साइज फिक्स करना पड़ता है, टाइप फिक्स करना पड़ता है, लोकेशन फिक्स करनी पड़ती है, जो भी चीज है, मेमोरी फिक्स करनी, मेमोरी के अंदर लोकेशन भी, टाइप भी और साइज भी, तीनों आपको फिक्स करने पड़ते हैं। इस तरह से आपका टाइम भी काफी ज्यादा लगता है और आपको समझने में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन वेरी इजिएस्ट लैंग्वेज है और इसमें आपको जो मर्जी है आप वो वेरिएबल का वैल्यू ले सकते हो, वेरिएबल का नेम लिया, दैनिक को लगा के वैल्यू लिया, खत्म। ओके, अब देन आपको क्या बताना है, दिस मींस व्हेन वी इनिशियलाइज वेरिएबल इन पाइथन, जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं पाइथन में तो वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर अ टाइप, हमको इसमें वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ऑल्सो वेरिएबल्स और मोर स्पेसिफिकली The object they point to can change type depending on the value assigned to them. जैसे जैसे आप वैल्यू असाइन करते जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे उसका टाइप चेंज होता जाएगा। अगर आपने कोई वेरिएबल लिया, वैल्यू लिया, देखो दिस इज अ फॉर एग्जाम्पल कि आपने जैसे एक वेरिएबल नेम लिया, आप इसको स्मॉल में और कैपिटल में किसी में भी ले सकते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो आप इसमें जिसमें लेंगे उसी नाम से आपको कॉल करना होगा। ओके, तो इसमें आपको ये भी बाउंडेशन नहीं है कि आपने अगर यहाँ पर स्मॉल ए से वन को दिया है तो यहाँ पर आप स्मॉल ए से 0.5 नहीं दे सकते। और लैंग्वेजेस में क्या है कि आपने अगर एक बार डिफाइन कर दिया तो दूसरी बार उसको नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर आप अपडेट वैल्यू कर सकते हैं, जब मर्जी है तब आप इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, आपकी वैल्यू फिर अपडेटेड वैल्यू मान्य होने लगेगी। ओके, तो एक ही वैल्यू आपने यहाँ वन दी, अब वो वन वैल्यू का आपने टाइप चेक किया तो यहाँ पर ये स्मॉल टी आएगा, यहाँ पर सॉरी कैपिटल टी लग गया है, तो स्मॉल टी से टाइप चेक करेंगे तो टाइप ए ऐसे देंगे हम, तो इससे जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट आ गया आपका इंट, क्योंकि आपने वैल्यू इंटीजर में दी थी, लेकिन जब आप फ्लोट में देंगे तो आपने यहाँ पर क्या दी, वैसे आप सिंपली 0.5 भी दे सकते हैं, आपने ए की वैल्यू अपडेट कर दी ए प्लस 0.5। जैसे हम लूप में करते हैं ना कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, ए इक्वल्स टू ए प्लस 0.5, तो यही, तो अब ए प्लस 0.5 दिया तो अब इसकी वैल्यू क्या है, जो हो जाएगी 1.5, तो अब वो वैल्यू जो है यहां पर भी आपको स्मॉल टी ही यूज करना है। कीबोर्ड मिस्टेक है। ओके, तो यहां पर आपका वैल्यू क्या हो गई, 1.5, तो 1.5 का मतलब हो गया फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट वैल्यू का आपने टाइप चेक किया कि अब हमने 0.5 इसमें ए में ऐड तो कर दिया, लेकिन ए की वैल्यू पहले बन थी तो उसने बन की अपडेटेड वैल्यू ले ली, अब बन के बाद में उसने 0.5 को ऐड किया तो 1.5 हो गया। अब 1.5 जो है वो किस टाइप की वैल्यू है आपको चेक करनी है, तो आपका टाइप ए क्या देगा, अब ये वाली वैल्यू ना लेते हुए ये जो अपडेटेड वैल्यू है 1.5 वो लेगा, तो 1.5 का आउटपुट क्या आया, फ्लोट। ओके, इसका हमने टाइप चेक किया तो उसका आउटपुट क्या है, फ्लोट। तो यहां पर आपको ना तो डिक्लेरेशन करना पड़ा, ना आपको साइज बताना पड़ा, ना आपको लोकेशन बतानी पड़ी मेमोरी की,
ना आपको ये बताना पड़ा कि ये कहाँ पर किस जगह हमें स्टोर कराना है, कहाँ पर किस जगह से हमें वहां से फेच करना है, तो कुछ भी नहीं बताना पड़ा। यहाँ पर सिंपली आपने वैल्यू दी और उसका टाइप चेक किया और आपके पास टाइप आ गया। ओके, वरना और लैंग्वेज में आपको टाइप देना पड़ रहा था परसेंटेज करके। ओके, तो अब आपको क्या समझ आया डायनेमिकली टाइप्ड में क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको बताना है कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जो कि वेरिएबल नेम जो है इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वेरिएबल नेम पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। इसके लिए भी हम फ्री हैं, चाहे हम उसमें इंटीजर दें, स्ट्रिंग दें या फ्लोट दें। ओके, एंड देन आपको इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप को डिक्लेयर नहीं करना है, आपको इसमें कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं बताना है, ना आपको कोई टाइप डिसाइड करना है, ना लोकेशन डिसाइड करनी है मेमोरी में। आपको तो सीधे वैल्यू देना है और वेरिएबल को नेम को यूज करना है। ओके, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वेरिएबल को जब भी आप इनिशियलाइज करेंगे पाइथन में, आपको कोई नीड नहीं है वेरिएबल को टाइप को डिक्लेयर करने की, सीधे आप वेरिएबल लीजिए, नाम को यूज कीजिए। ओके, आपको अगर ये आंसर लिखना है तो आप बैक में जाकर के आप आंसर लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ पाइथन? पाइथन की फीचर्स के ऊपर हमारा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने देखा व्हाट इज पाइथन, दूसरा देखा व्हाट इज डायनेमिकली, व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड। ओके, वहां पर आप ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे आपने यहां लिया तो यहां पर आप ये भी ले सकते हैं। एक बेनिफिट आपको हुआ, मैंने कहा आपसे व्हाई पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड। ओके, ये भी आप ले सकते हैं। एक इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। ओके, नाउ देन वी मूव टू की फीचर्स। ओके, चलिए, तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन? तो की फीचर्स क्या क्या है पाइथन के, हम ये भी देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, पाइथन क्या है ये भी देखते हैं, आप की फीचर्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो की फीचर्स में आप ये ले सकते हैं, और ये की फीचर्स जो मैं बताने वाली हूं ये आप आंसर इसका उसमें भी दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज पाइथन है, तो उसमें भी आप इंटीग्रेट करके इस आंसर को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो देखिए आपकी फीचर्स क्या क्या हैं इसके, इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं, इसको इंटरव्यू किसी भी तरीके से पूछ सकता है, किन किन तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा व्हाट इज की फीचर्स इन पाइथन, दूसरा पूछेगा वो वॉट वॉट आर द पाइथन फीचर्स, वॉट आर द पाइथन फीचर्स। तीसरा वो ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पाइथन, है ना, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पाइथन। ओके, और भी कई टाइप से पूछ सकते हैं जो कि मैं अभी आपको आगे आने वाली उसमें बता सकती हूँ, और वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि
फीचर्स ऑफ पाइथन करके भी कुछ पूछ सकते हैं, वो जो भी कुछ लगाना चाहे वो लगा सकते हैं. ओके एंड देन अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है. तो सबसे पहला देखिए, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है और भी कई टाइप की लैंग्वेज है. तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी होती है, डायनेमिकली टाइप भी होती है. आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस डायनेमिकली टाइप्ड केस सेंसिटिव इंटरप्रेटेड, जो भी आपको समझ आए वो सब आप लिख सकते हैं. डायनेमिकली टाइप केस सेंसिटिव भी आपके फीचर्स में ही आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. देखो इसमें आगे आता है या नहीं अभी देखते हैं, नहीं तो हम इसमें इंटीग्रेट करना आपको बताते हैं. ओके बीइंग अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज है तो इसका मतलब क्या है हम ये समझ लेते हैं. इट कैन बी यूज टू होल्ड ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन विद द राइट टूल्स लाइब्रेरीज. टूल्स और लाइब्रेरीज को भी क्रिएट करने और एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं ना हम, जैसे पाइथन में एप्स भी क्रिएट हो जाते हैं काफी सारे, वेब भी क्रिएट हो जाती हैं, तो उसके लिए भी काफी सारे टूल्स और लाइब्रेरीज भी पाइथन के अंदर हैं, तो इसीलिए हम इसे जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहते हैं. एडिशनली इसमें आप ये भी बता सकते हैं, पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स थ्रेड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट. ये सब किस लिए यूज होते हैं ये भी आप बता सकते हैं इसमें. विच हेल्प्स इन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स, है ना, होल्डिंग एप्लीकेशंस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे आपकी एक कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें भी आपके मॉड्यूल्स यूज होते हैं, थ्रेड्स यूज होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट यूज होता है. पाइथन में आप जैसे कोई ऐप बना रहे हैं या वेब बना रहे हैं तो भी आपको ये सब यूज करना पड़ेगा, तो वो भी पाइथन सपोर्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को, मॉड्यूल्स को, थ्रेड्स को, तो ये सब तो हम उसमें यूज करते ही हैं. हाँ जैसा कि मैंने बताया आपको, केस सेंसिटिव और डायनेमिकली टाइप तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ भी, जैसे पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड, इसके बाद में यहाँ पर आप लिख सकते हैं केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव डायनेमिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके तो इस तरह से आप इसके फीचर्स को, या तो आप इतने आंसर को भी दे सकते हैं, दिस इज अ सफिशियंट आंसर, बट आप इसको पूरे को देंगे ना तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन बनेगा. अगर आप इसमें इस चीज को अगर आप इनिशियली ऐड कर देते हैं इसको यहाँ पर, जैसे मैंने ये वाला बताया था आपको व्हाट इज पाइथन, तो इसमें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इस चीज को, या फिर यहाँ पर भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ इसके नीचे आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, जैसे ये जो हमने लिया ना पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल, तो इसको आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, है ना. तो इससे क्या आपको एक बेनिफिशियल पॉइंट मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको चाहें तो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, है ना, जहां पर भी आप चाहें आपको जहां सुइटेबल लगे आप इस चीज को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा कि इसी इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, वाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वाई पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए अभी, तो ये सब मैं इसमें ही डिस्कस करने वाली हूँ, अभी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ. ओके चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करना है. ओके नाउ देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको ये सब भी आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन सुनने वाले हैं. अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स में आपके वो सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, है ना.
तो देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। पाइथन को यूज करने का बेनिफिट क्या है, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो बेनिफिट में भी आप वो वाली लाइन लगा सकते हैं कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लिखा ही है, लेकिन आप वो वाली लाइन को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे यहां पर आप चाहें तो सबसे पहले आप वो ही लाइन लगाएं, ओके। तो सबसे पहले आपने ये लाइन लगा दी, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड केस सेंसिटिव डायनेमिकली टाइप जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ओके। अब इसके बाद में हम अपनी बात को रख रहे हैं कि हमारी क्या बात है, हम इसके माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं इंटरव्यूअर को, क्या क्यों इंटरव्यूअर हमको रखेगा। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज अ सिंपल, ये बहुत सिंपल होती है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होती है, इजी टू लर्न होती है, सिंटैक्स दैट एम्फेसाइज रीडेबिलिटी भी होती है, दैट देयर फॉर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस, प्रोग्राम के मेंटेनेंस को संभालने के लिए कॉस्ट भी इसकी बहुत लो लगती है, ठीक है। मोर एवर द लैंग्वेज इज कैपेबल ऑफ स्क्रिप्टिंग, इज कंप्लीटली ओपन सोर्स एंड सपोर्ट थर्ड पार्टी पैकेजेस, इनक्रीजिंग मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूज। तो ये सब आप क्या है ना, उसमें भी यूज कर सकते हैं, जैसे की फीचर्स में भी आप ये सब बता सकते हैं, और आप ये पूरा बॉटेस पाइथन में भी ले सकते हैं। अगर आप ये पूरा अकेला बोलेंगे वो भी सफिशियंट है, वो भी बोलेंगे वो भी सफिशियंट है। मैंने बॉटेस पाइथन के आपको कम से कम 3 से 4 आंसर्स बता दिए हैं, ओके। और की फीचर्स ऑफ पाइथन के भी आपको 2 आंसर्स तो मिली है कि आप ये पूरा बोल सकते हैं, और वो मैंने बताया था वो भी आप बोल सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है कि आपको एक क्वेश्चंस के दो दो तरह के आंसर्स मिल रहे हैं, आपको जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के आंसर बनाना है आप वो भी बना सकते हैं, ओके। देन आपको क्या बोलना है, इन हाई लेवल लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर कंबाइंड विद डायनेमिक टाइप एंड डायनेमिक हाइडिंग, इसमें डायनेमिक हाइडिंग भी होती है, और में डायनेमिक हाइडिंग नहीं होती, उसमें हाइडिंग तो होती है बट डायनेमिक हाइडिंग नहीं होती, ओके। अब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्ट द हब कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स फॉर रैपिड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके। तो जो भी लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं उनको उससे काफी सारी बेनिफिट्स हो जाते हैं कि भाई ये डायनेमिक हाइडिंग भी है, डायनेमिक टाइप भी है, डायनेमिक लैंग्वेज होने के कारण इसमें आपको क्या है, काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ना। डायनेमिक के स्टेटिक में क्या आपको सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको वेरिएबल के केस में समझाया था डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों है, तो वो मैंने पूरा आपको डायनेमिक टाइप के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो मैं दोबारा आपको समझना है तो आप वहां बैक जा करके समझ सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं इंटरप्रेटेड डायनेमिकली टाइप्ड और ये सब, आपका जो क्वेश्चन मैंने इतने सारे बताए थे, व्हाट इज वाई पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज या वॉट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो देखते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, आप ये तो बोलेंगे ही, देन आप क्या बोलेंगे, दैट मीन्स दैट अनलाइक लैंग्वेज लाइक सी एंड इट्स वेरियंट्स, पाइथन डज नॉट रीड टू बी कंपाइल्ड बिफोर इट इज रन। पाइथन जब भी रन होता है तो उससे पहले कंपाइल्ड नहीं होता है, सी सी प्लस प्लस सी है जावा वगैरह सब कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है, लेकिन ये क्या है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसमें क्या है इंटरप्रेटर होता है, यानी कि डायरेक्टली रन करता है, लाइन बाई लाइन कोड को रन कराता है। तो आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि पाइथन रन द कोड लाइन बाई लाइन, है ना, ऐसा करके आप उसको यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जैसे इसमें बोला ना PHP रूबी भी आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस भी होती हैं। यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे इंटरप्रेटेड यहाँ पर लिख दीजिए इंटरप्रेटेड मीन्स, या फिर यहीं लिख दीजिए, सॉरी इंटरप्रेटेड
printed means run the code. Run the code line by line. Okay. और अदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? पीएचपी और रूबी, आप ये भी इसमें बता सकते हैं, लेकिन आपका आंसर तो यहीं तक सफिशियंट है. लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने इंटरव्यूअर से पीएचपी और रूबी के बारे में ही बात करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. ओके, तो आपका इंटरव्यू पीएचपी और रूबी में घुस जाएगा और वो इन सब चीजों से शायद हो जाएगा. ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कस करके आपको सिलेक्ट कर सकता है. इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक बेनिफिशियल पॉइंट भी बताया है. नाउ देन, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप, जो कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप. दिस मीन्स दैट यू डोंट नीड टू स्टेट एन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स व्हेन यू डिक्लेयर देम और एनीथिंग लाइक दैट. यू कैन डू थिंग्स लाइक एक्स इक्वल टू 111 एंड देन एक्स स्ट्रिंग का दे दिया विदाउट एरर. तो आप ये जो भी डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं आने वाली है. यही सब मैंने आपको उसमें डायरेक्टली टाइप ना समझाया था, वही सब है. ओके, देन वेल, पाइथन इज अ वेल सूटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी एक और आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. व्हाई पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मिलता है. ओके, तो पाइथन इज वेल सूटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दैट इट अलाउज द डेफिनेशन ऑफ क्लासेस अलोंग विद कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस. पाइथन डज नॉट हैव एक्सेस स्पेसिफायर लाइक C++, पब्लिक एंड प्राइवेट. C++ जैसे आप पब्लिक और प्राइवेट क्लासेस को यूज करते हैं, वैसे यहाँ यूज नहीं होता है. लेकिन ये फुल्ली फीचर्ड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. ये उसकी डेफिनेशन यानी क्लासेस की डेफिनेशन को सपोर्ट करता है, कंपोजिशन को, इनहेरिटेंस को सबको सपोर्ट करता है. कॉन्स्ट्रक्टर होते हैं, डिस्ट्रक्टर होते हैं, काफी कुछ होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, डेटा हेडिंग होता है. ये सब अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, तो ये सब इसमें सपोर्ट होता है. लेकिन जो क्लास का जो स्पेसिफायर होता है ना, जैसे हम सी में, C++ में, जावा वगैरह में यूज करते हैं, मतलब सी में नहीं किया जाता, सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, बट C++, सी है, जावा, पाइथन में होता है, जिसमें हम पब्लिक और प्राइवेट करके यूज करते हैं. लेकिन इसमें हम इस तरह से यूज नहीं करते हैं, इसमें डायरेक्टली क्लास का नेम लिया और देन क्लास को डिफाइन किया और उसके बाद जो भी है. तो आगे आने वाली वीडियोस में आप और अच्छे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, उसका फुल्ली मैं एक ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ. ओके, एंड देन समझ लेते हैं कि फंक्शन और क्लासेस का क्या मतलब है. थोड़ा सा आपको बता दें पाइथन में फंक्शन और क्लासेस क्या होते हैं. तो पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट. फंक्शन क्या है? फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट. ये भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन, है ना. तो इसको भी समझ लीजिए कि पाइथन फंक्शन क्या है. पाइथन में फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट कहा जाता है. दिस मीन्स दैट दे कैन बी असाइन टू वेरिएबल. इसमें हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शंस, जो कि अदर फंक्शंस से जो वेरिएबल रिटर्न होता है उस वेरिएबल को हम इसमें असाइन कर देते हैं एंड पास्ड इनटू द फंक्शन और फंक्शन में पास करा देते हैं. क्लासेस आर आल्सो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट. क्लासेस भी हमारी फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट होती हैं. लेकिन आपको यहाँ एक्चुअली ये इतना समझना है कि फंक्शन क्या है, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है और इसमें हम वेरिएबल को असाइन कराते हैं और उस वेरिएबल को भी डायरेक्ट वेरिएबल भी असाइन करा सकते हैं और रिटर्निंग वेरिएबल्स को भी हम इसमें असाइन करा सकते हैं. मतलब दो तरह से हम इसमें वेरिएबल्स को असाइन करा सकते हैं, है ना. क्लासेस फंक्शंस में मेरी वीडियोस आएंगी आगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें. ओके, नाउ वी देखते हैं कि पाइथन का कोड क्विकली रन होता है, ये भी आप इसमें बता सकते हैं. जैसा कि बेनिफिशियल है ना, तो हम इसमें बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं. वो तो हमने बात की जो हमने क्वेश्चंस आपको बताए थे उनके बारे में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि पाइथन बेनिफिशियल क्यों है. जैसे फंक्शन के बारे में बात की, ऐसे ही हम बेनिफिशियल के बारे में बात करते हैं कि राइटिंग पाइथन कोड इज अ क्विक बट रनिंग इट इज ऑफन स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस.
जो पाइथन कोड है लिखने में बहुत ही इजी होता है, जल्दी से लिख जाता है, लेकिन रन जो है इसका वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन लिखता बहुत अच्छे से है, जल्दी लिख लेते हैं हम उसको, समझ भी जल्दी लेते हैं कि कैसे हमें लिखना है, क्या करना है। उसको रन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है एज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। ओके, फॉर्चुनेटली पाइथन अलाउज द इंक्लूजन ऑफ सी बेस्ड एक्सटेंशन, सो बटलनेक्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड अवे एंड ऑफ एन आर। मतलब कुछ सीवेज एक्सटेंशन भी हैं जो कि पाइथन में इंक्लूडेड हैं, आप समझ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। ओके, द नंपाई पैकेजेस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। नंपाई जो है वो इसका गुड एग्जाम्पल है सीवेज एक्सटेंशन का। इट्स रियली क्वाइट क्विक बिकॉज अ लॉट ऑफ द नंबर क्रंचिंग इट डज नॉट इजंट एक्चुअली डन बाय पाइथन। ये ज्यादातर फुल्ली डन नहीं हो पाता पाइथन से, इसलिए इसमें थोड़ा सा सीखे भी फीचर्स हैं। तो ये सब आप आगे आने वाली वीडियोस में मशीन लर्निंग की वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें नंपाई से रिलेटेड मैं सारे इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊंगी ना, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। नाउ वी डिस्कस पाइथन फाइंड्स यूज इन मैनी स्पीकर सॉरी स्फीयर्स, है ना। स्फीयर्स को भी फाइंड आउट करने के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। जैसे स्फीयर्स का मतलब वेव एप्लीकेशंस है, वेव ऑटोमेशन है, साइंटिफिक मॉडलिंग है, बिग डेटा एप्लीकेशन है, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनमें हम पाइथन का यूज करते हैं। तो ये भी आप एक बेनिफिशियल में बता सकते हैं। इट आल्सो ऑफन यूज एज अ ग्लू कोड टू गेट अदर लैंग्वेज एंड कंपोनेंट टू द प्लेन आईसी। इसमें से आप पॉइंट्स निकाल निकाल के अपने बेनिफिशियल पॉइंट्स में ले सकते हैं। जैसे ये है तो ये वाला एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसे ले सकते हैं। दूसरा आपका ये वाला पॉइंट है, अगर आपने नंपाई पढ़ा है तो आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। तीसरा आपका ये पॉइंट है फंक्शन वाला, और वैसे तो ये सारे ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निकाल निकाल के ले सकते हैं। जैसे पाइथन डज नॉट नीड टू बी कंपाइल्ड बिफोर द इंटरप्रेटर मीन्स द रन ऑफ द कोड लाइन बाई लाइन। बस यहाँ तक लिया आपने, एंड देन फिर इसमें से ले लिया आपने थोड़ा सा कि डायनेमिकली टाइप पूरा ले लिया, देन फिर ये ले लिया। तो आप ये पूरा भी ले लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाने वाला है इंटरव्यूअर के ऊपर। अगर आप किसी दो के बारे में पूछा तो कोई दो आपको इनमें से दे देने हैं, अगर वो चार पूछता तो चार दे देने, जैसा भी आपको वो इंटरव्यूअर पूछ रहा है आप वैसा दे सकते हैं। आपको इन्हें लिखना है तो आप बैक में जा करके लिख सकते हैं ना। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज डेटा इन पाइथन, फिर हम बात करेंगे पाइथन एनवायरमेंट के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा इन पाइथन। ओके, वो क्या करेंगे वो भी हम आपको समझा देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि वही पाइथन का वेरिएबल का एक्सप्रेशन का बोला था, फिर उसके बाद उसका बोला था, तो पहले हम ना एनवायरमेंट के लिए आपको बेनिफिशियली दे रहे हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं व्हाट इज डेटा इन पाइथन। तो डेटा क्या है पाइथन में, ये हम देख लेते हैं। पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन के पास कई सारे सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, इंक्लूडिंग लिस्ट, डिक्शनरी, जैसा कि आप जानते भी हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, दैट वी यूज टू बिल्ड कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, इन एडिशन देयर आर नंबर ऑफ लिटरल्स इंटरनल लाइब्रेरीज, सॉरी देयर आर नंबर ऑफ इंटरनल लाइब्रेरीज सच एज अ कलेक्शन एंड मैथ ऑब्जेक्ट्स। पाइथन के पास में क्या मैथ ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज भी हैं, मैथ ऑब्जेक्ट्स की भी हैं, विच अलाउज अस टू क्रिएट मोर एब्रॉड स्ट्रक्चर्स। डेटा क्या है, आप जिसमें जो भी आपके पास जो भी है, जैसे लिस्ट है, अरे सेट्स है, या कुछ भी है, या फिर आपका इंटीजर का एक कलेक्शन है, या फिर स्ट्रिंग का कलेक्शन है, या फिर फ्लोट का कलेक्शन है, या फिर आप कोई एक लिस्ट बना रहे हैं उसका कलेक्शन है, या फिर आप कोई ऑपरेशंस बना रहे हैं उनका कलेक्शन है, तो वो सब आपका डेटा ही तो है, तो आप ये उसमें बता सकते हैं ना। तो वही सब है कि आप जो भी आपके पास है पाइथन में वो सब लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, थ्रेड्स हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑपरेशन हैं वो भी, और ऑब्जेक्ट्स हैं, मैथ ऑपरेशंस हैं, ये सब
द बेनिफिशियली है, तो ये सब आप बता सकते हैं पाइथन में डेटा होता है. ओके, फाइनली देयर आर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज सच एज दोज फाउंड इन द स्काईपाई, है ना, पैकेजेस, जैसे नंपाई है, स्काईपाई पैकेजेस है, और भी काफी सारे पैकेजेस होते हैं जो कि मशीन लर्निंग यूज होते हैं ना, ऐसे डेटा साइंसिस्ट वाले भी होते हैं काफी सारे, जिसको जिस जिसने डेटा साइंस पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कैसे होते हैं. ओके, दीज अलाउ अस टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ एडवांस्ड डेटा टास्क सच एज लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन, ओके, विजुअलाइजेशन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन सच एज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कौन कौन सी हो गई, जैसे कैन बी वेरी यूजफुल फॉर एन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन. हाउएवर वी मस्ट, जैसे आपने आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब हो गया कि एक तार पे पहले रबड़ को चलाने वाला पहले वो गेम चलता था एक, आपको याद हो कि एक, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक थ्री पिलर्स होते थे, उनमें एक पर रबड़ चढ़ी हुई होती थी और बाकी दोस्त से लेकर के इस लास्ट वाले पर ले जाना होता था, बीच में आपके पास एक पिलर है लेकिन एक के ऊपर एक बाउंड नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए एक ही कलर की, वो उस तरह से कुछ गेम होता था, तो वो गेम भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरह ही है, तो वो भी आप पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं, है ना, तो वो उससे और इजीएस्ट वे में क्रिएट हो जाएगा, वही मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगी आगे वीडियोस में. ओके, हाउएवर वी मस्ट आल्सो बी अवेयर दैट देयर इज ऑफन अ परफॉर्मेंस पेनल्टी कंपेयर टू वेल्डिंग कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड अप बाय लर्निंग हाउ टू कोड दीज ऑब्जेक्ट आवरसेल्व्स We can target them to specific tasks, making them more efficient. Okay, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें आपको क्या बताना है, जो भी आप डेटा जानते हैं पाइथन में वो सब आप डेटा बता सकते हैं, आप पाइथन में क्या क्या यूज करके क्या क्या बना सकते हैं वो भी सब आप इसमें बता सकते हैं, what is data in Python. Okay, we move to next question. Python environment. तो पाइथन एनवायरनमेंट में क्या है, अ फीचर ऑफ पाइथन एनवायरनमेंट, इसमें मैं फीचर्स बताने वाली हूं और बताने वाली हूं पाइथन एनवायरनमेंट है क्या, तो इज इट्स इंटरैक्टिव कंसोल अलाउइंग यू टू वॉच यूज पाइथन एज अ डेस्कटॉप प्रोग्रामर, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, डेस्कटॉप पे जो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होते नहीं है तो उसकी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, पाइथन एनवायरनमेंट का मतलब ये भी है. ओके, एंड ऑल्सो एज एन एनवायरमेंट टू राइट एंड टेक्स्ट स्निपेट ऑफ द कोड, ओके, द रीड इवेलुएट प्रिंट लूप ऑफ द कंसोल इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू इंटरेक्ट विद अ लार्जर कोड बेस सच एज टू रन फंक्शंस एंड मेथड्स और टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ पाइथन मोर कंपाइल्ड लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस सी है जावा वगैरह जो भी हैं, तो ओके बेयर द राइट कंपाइल टेस्ट कंपाइलर साइकल्स कैन इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम कंसिडरली कंपेयर टू द पाइथन रीड वैल्यूएट एंड पाइथन लूप बीइंग एबल टू टाइप द एक्सप्रेशन एंड गेट द इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स कैन ग्रेटली स्पीड बाय डेटा साइंस टास्क वर्जन Most notable amongst these in the Jupyter, ये platforms दिए हुए हैं तो आप ये platforms बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या बताना है Python environment में सीधा सीधा है कि आप जो loop चलाते हैं तो loop चलाने के लिए line by line आपका code execute हो रहा है, जहां आपका break होना है वहां break हो रहा है, जहां आपका जो भी होना है तो उसमें time consuming हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपको declaration ही करना है, कहीं पर integer लेना है तो वहां declaration करोगे तो उसमें time जाएगा compilation में, कहीं पर आप फ्लोट ले रहे हो तो उसमें टाइम जाएगा कंपाइलेशन में, आपने अगर कोई एरे लिया एरे बनाया अब उस एरे का भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसको लूप में चलाने के लिए तो उसमें भी आपको टाइम जाएगा, तो ऐसे करके काफी सारे टाइम जो कंज्यूमिंग टाइम्स हैं जो भी आपको पॉइंट्स उसमें याद आने हैं, मतलब उस समय जो भी पॉइंट्स आपको याद है वो सारे पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हैं ना, तो वही सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं इस चीज को. ओके, अब बात करते हैं इन दो क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर और व्हाट इज वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस. ओके,
तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, क्या है बात कर लेते हैं। वैसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या है, लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, अरे है, जैसा कि मैं बार बार बोले जा रही हूँ, अरे है, सेट है, ट्री है, ये मैंने काफी बार इसमें वीडियो में यूज भी किया है, तो वही सब डेटा स्ट्रक्चर भी है। चलिए इस माध्यम से समझ लेते हैं ये आंसर जो हमने लिखा है इसके माध्यम से। तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फाउंडेशन कॉन्सेप्ट ऑफ हगली इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा स्ट्रक्चर की थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। हाउ एल्गोरिथम मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन विद डेटा स्ट्रक्चर, हाउ डेटा इज अरेंज इन मेमोरी, वॉट द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये तो हो गया कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करना है, ये सब तो आपका इसमें आ गया, लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर है कि क्या है डेटा स्ट्रक्चर, तो पाइथन एज अ सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर लगाना, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लिस्ट डिक्शनरीज सेट्स दे वी यूज टू बिल्ड कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स इट एडिशन देयर आर नंबर ऑफ इंटरनल लाइब्रेरीज सच एज कलेक्शन ऑफ द मैथ ऑब्जेक्ट्स which allows us to create more of advanced structures as well as perform calculations on those structures. Finally, there are external libraries such as regression वगैरह वगैरह। तो आप ये पूरा भी इसमें use कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक का लेकर के उसमें आप ये बोलें and then जैसे आप यहाँ पर ये तो बोलेंगे ही और इसके पहले आप ये बोलें एंड देन ये बोले तो आपको काफी कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें आपको ये सब आप बता देंगे, तो इसमें आप ये सब नहीं भी बताएं या फिर बताएं डजंट मैटर, लेकिन अगर वो पूछता है व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, तो आपको ये आंसर देना होगा कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इज यूज इज बिल्ट। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं वो सभी डेटा स्ट्रक्चर हेल्प से बनते हैं। हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फाउंडेशन, मतलब उसको बना रहे हैं तो वही मैंने आपको बताया अभी कॉन्सेप्ट इज अगली इंपॉर्टेंट टू सॉफ्टवेयर डिजाइन। डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाउ एल्गोरिथम मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन कंटेंड विद इन डेटा स्ट्रक्चर, हाउ डेटा इज अरेंज इन मेमोरी, व्हाट द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसमें अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन जो है व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ओके, तो इसको आप इसके साथ भी ले सकते हैं और इसके अलग भी ले सकते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। आपको समझ आ गया, ठीक है, जाने दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ये लेना है, लेकिन व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर में भी आप ये सब लेकर के ये भी बता सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको अलग से अगर वो पूछे तो आप उसमें भी बता सकते हैं। ओके, अगर आप इसमें बताएंगे तो आपको और भी बेनिफिशियल होने वाला है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन की। तो वेरिएबल और एक्सप्रेशन क्या क्या है ये बात कर लेते हैं। टू ट्रांसलेट अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू वन दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय एल्गोरिथम। ओके, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम किसके द्वारा सॉल्व करते हैं, एल्गोरिथम्स के द्वारा सॉल्व करते हैं। ओके, देयर आर टू इंटररिलेटेड टास्क, दो इंटररिलेटेड टास्क हैं। पहला है सिलेक्ट द वेरिएबल एंड सेकंड दूसरा क्या है फाइंड द एक्सप्रेशन।
पहले हम वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर एक्सप्रेशन बनाते हैं और उस एक्सप्रेशन का आंसर निकालते हैं ना, यही तो करते हैं रिलेट टू द वेरिएबल, जैसा कि इसमें लिखा है ना, वेरिएबल आर लेबल्स अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट, वेरिएबल ऑब्जेक्ट से अटैच्ड रहता है, दैट आर नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वो अकेला ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट से रिलेट भी होता है, ओके, दे आर नॉट कंटेनर फॉर ऑब्जेक्ट आइदर, एक कंटेनर का भी वर्क कर सकता है लेकिन कंटेनर नहीं होता है ना, ऐसे हम इसमें वैल्यूज तो स्टोर करते हैं लेकिन दिस इज नॉट अ कंटेनर, दिस इज अ, ओके, अब वेरिएबल डज नॉट कंटेन द ऑब्जेक्ट, वेरिएबल कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटेन नहीं करता, वेरिएबल जो है मतलब इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट के लिए कंटेनर नहीं है, इसमें वैल्यूज ही जा सकती है ना, रेदर इट एक्ट्स एज अ पॉइंटर और रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग कोड, तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली है, ये ए इक्वल्स टू ये लिस्ट ली है और बी इक्वल्स टू ये लिया, तो बी इक्वल्स टू ए जो लिया तो ए में ये जो लिस्ट है ये पूरी की पूरी बी में स्टोर हो जाएगी, बट बी में ए करके कोई भी इक्विपमेंट या कुछ भी स्टोर नहीं होगा, ए की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी बी में स्टोर हो जाएगी, ये होता है इसका मतलब, कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका, तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की ये जो वैल्यू है, जो लिस्ट है ये उसमें स्टोर हो रही है ना, तो इसको आप, अब आपने जैसे ए में एक और वैल्यू स्टोर करना चाहिए 9, तो ए डॉट अपेंड 9, तो 9 जो है आपका लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, जैसे ये है तो एक्सप्रेशन सी हो गई ए डॉट अपेंड, तो अपेंड जो है कोई भी आपका ऑपरेशन है जिसको आपने वेरिएबल के साथ अटैच किया, तो दैट बन गया आपका एक्सप्रेशन, ओके, तो इसे ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। नाउ आपका रिजल्ट ये आया, एंड देन आप एक चीज और बता सकते हैं, हियर वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, हमने यहां पर क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, ओके, एंड देन विच पॉइंट्स टू अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, ए जो है हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्चुअली एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर ये जो ए है ये हमारा कैपिटल ए है, ओके, विच पॉइंट्स टू अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, ओके, वी क्रिएट अनदर वेरिएबल बी, अब हमने अनदर वेरिएबल जो है बी क्रिएट किया, विच पॉइंट्स टू दिस सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट यानी ए जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू पूरी बी में गई, यानी कि ए अलग ऑब्जेक्ट हो गया, बी अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, देन वी अपेंड एन एलिमेंट टू दिस लिस्ट, इसमें हमने एक एलिमेंट और अपेंड करके बताया था अभी आपको, दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट यानी ए की लिस्ट ऑब्जेक्ट में, तो दिस चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन द बोथ ए एंड बी, ए एंड और बी में क्या रिफ्लेक्शन हुआ वो भी है ना, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक थी, ओके, नाउ तो आज आपको मैं क्या क्या समझा, वॉट इज वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, वाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, वॉट इज डेटा स्ट्रक्चर, वॉट इज पाइथन एनवायरमेंट, वॉट इज डेटा इन पाइथन, बेनिफिट्स ऑफ पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन पाइथन, डायनेमिकली टाइप्ड, इंटरप्रेटेड, व्हाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड, व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड, व्हाई पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके, और व्हाट इज पाइथन, ये आपने ये सब आज आपने इस वीडियो में सीखा, आपको इस वीडियो से क्या समझ आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और आपको इसमें अगर कोई एक क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया हो, अगर आपको लगता है कि आपका इस क्वेश्चन से आपके इंटरव्यूअर में आपको हेल्प मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूले, क्योंकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा, इससे आपके दोस्त भी काफी कुछ सीख जाएंगे इसमें और उनका भी इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, तो आप उनको भी एक बार सजेस्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।